नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे, कुछ भाइयों के कमेंट थे तो उनका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, अन्य लोगों को भी करवाएं ताकि सही जानकारी सही मोटिवेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। बबलू सैनी जी बोलते हैं, सर आज़ाद वीज़ा का कौन सी कंट्री में बागवानी का काम कर सकते हैं, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए। भैया देखिए, आज़ाद वीज़ा में बागवानी हर कंट्री में होती है। बागवानी ये नहीं कि आज़ाद में, कहीं पर भी करो वीज़ा लेके आप, लेकिन आज़ाद वीज़ा में बागवानी का काम करने का क्या मतलब है यार? वो तो कंपनी का वैसे प्रोसेस होता है ना, और बाकी वैसे भी वीज़ा निकल जाते हैं कि खेतीबाड़ी के लिए, बाग बगीचों के लिए, घरेलू नौकरों के लिए, तो उस तरीके से आप वीज़ा लेके कोई भी कंट्री में जा सकते हो। प्रदीप चौधरी बोलते हैं, अशोक जी क्या गमका कराने के लिए एजेंट की जरूरत पड़ती है, खुद से कराया जा सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ 40 से 50 हज़ार तक ले लेते हैं मेडिकल और टिकट तक का खर्चा। भाई मेडिकल करवाने के लिए एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, उसका कोई रोल नहीं होता, आप डायरेक्ट जाओ। और दूसरी बात यार, मेडिकल का पैसा तो आप जाओगे, अगर आप गमका करवा रहे हो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में, तो वहाँ तो स्लिप मिलती है आपको, 5 हज़ार है तो 5 ही मिलेंगे आपको, ये नहीं 5200 ले लिए, 5 की स्लिप दे दी, तो उसमें एजेंटों का तो कोई रोल नहीं होता। बाकी आपने कैसे या किस तरह से बोला मुझे पता नहीं है। दूसरा इनका क्वेश्चन है प्रदीप चौधरी, ज्यादातर लोगों को फेल कर दिया जाता है खून में खराबी बताकर, उनको दवाइयां दी जाती हैं, 2-3 बार आने का एक्स्ट्रा खर्चा ले लेते हैं, कृपया इस विषय पर जरूर बताएं। देखिए भैया, गमका में अगर आप जाते हो तो ऐसा सुनने में तो नहीं आया, लेकिन आप बोल रहे हो कि हो सकता है, कई बार क्या होता है एक आदमी को 3-3 बार भी जाना पड़ता है, क्योंकि उसके अब ये शुक्र मनाओ कि वो 3 बार बुला के, हो सकता है आप फिट हो जाएं तो कितनी अच्छी बात है। आपकी ब्लड में या फिर एक्सरे में, चेस्ट में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है, इसलिए वो बार बार बुलाते हैं। बाकी वो दवाई ऐसा नहीं होता, सरकारी सिस्टम होता है, बाकी हो भी सकता है कई जगह, लेकिन ऐसा मेरे सुनने में नहीं आया। 2-3 बार कई बार इंसान की अंदर की प्रॉब्लम होती है, उनकी वजह से उनको बुलाया जाता है। सर मैं नेपाली हूँ, नीड इराक वीज़ा। भैया नेपाली हो इराक का वीज़ा तो यार, अब मैं तो क्या बताऊँ, आपका सिस्टम फॉलो करता है इराक को नहीं करता, मैं इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी देके आपको जल्दी बताएंगे। सबीर शेख बोलते हैं, भाई एक्सरे में अनफिट हैं, कितने दिन में अनफिट हट जाता है? भाई एक्सरे में अनफिट हो 3 महीने तक वो ऑनलाइन रहता है, 3 महीने बाद ऑटोमेटिक वो हट जाता है, उसके बाद आप दोबारा से मेडिकल करवा सकते हो, कोई दिक्कत उसमें दवाई लें फिर 3 महीने बाद करवाएं तो हो सकता है फिट हो जाए। ओम प्रकाश जी बोलते हैं, सर मेरा मेडिकल अनफिट है, मेरा पासपोर्ट पर दूसरे बंदे का मेडिकल करवा सकता हूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? मेरे भाई ऐसा नहीं होता, ऐसे तो फिर अनफिट होंगे ही नहीं इस दुनिया में। आपका कहने का मतलब है कि आप अनफिट हो, आपके पासपोर्ट पे दूसरे बंदे का मेडिकल कैसे हो जाएगा यार? पासपोर्ट में फ़ोटो आपकी, बंदे की फ़ोटो मैच नहीं होगी, फिर फिंगर होते हैं, फिंगर मैच नहीं होंगे, 420 लगती है भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है भाई। महबूब खान बोलते हैं, सर बिना मेडिकल हम कौन से देश में जा सकते हैं, वीडियो बनाइए। भैया बिना मेडिकल आप हर कंट्री में जा सकते हैं, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि उसमें बिना मेडिकल नहीं जा सकते, वो कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। अब सऊदी, दुबई, अब दुबई भी बिना मेडिकल जा सकते हैं, कतर बिना मेडिकल जा सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर जाके आप विजिट में जाके वीज़ा लगवा लो, सेटिंग से वो सेटिंग का मैटर होता है। बाकी आप बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो मेडिकल अनफिट वालों को ले लेती हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, आप जा सकते हो, ठीक है भाई। यूथ पावर बोलते हैं, सर मेरा फ्रेंड है भाई बहरीन गया है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, फ्रेंड बोल रहा है कि भाई वीज़ा लगा देगा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में, 70,000 खर्चा बोल रहा है, आप बताइए क्या सही है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब बहरीन में मिल जाएगी, प्लीज़ रिप्लाई मी। भैया देखिए, पहली बात तो 70,000 रुपये मांगे बिल्कुल सही मांगे, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि बहरीन में सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं मिलता? भैया बहरीन कंट्री नहीं है क्या? इंडिया से तो 18 गुना अच्छी है, 1 का 18 बनता है तो 18 गुना अच्छी हो गई, इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है तो वहाँ पर भी है, बिल्कुल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी आपका फ्रेंड है तो ऐसा कोई चांस होने की दिक्कत नहीं आएगी आपको कि आपके साथ चीट हो जाए। एमडी एक्सरूर बोलते हैं, सर मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ, यूएई में जॉब अप्लाई करने के लिए प्रोसेस बताइए। भैया सेफ्टी ऑफिसर हो, बाकायदा इंटरव्यू दो, या कोई कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई करो, या आपका कोई बंदा है तो उससे वीज़ा निकलाओ, बिल्कुल आपको प्रोसेस में आपका काम हो सकता है। बाकी ये जॉब बहुत कम आती है सेफ्टी ऑफिसर की। प्रमोद सिंह बोलते हैं, सर नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद सिंह है, मैंने एसबी हिमाचल से हूं, और मैंने एक चंडीगढ़ में एजेंट को सिंगापुर के लिए बोला था, उन्होंने बोला ऑफर लेटर आ गया है, सिंग करो और मेडिकल कराओ, मैंने 6,000 रुपीज दे दिए और मेडिकल करवा लिया। अब बोला आपका वेरिफिकेशन कॉल आएगी, तो बाहर के नंबर से काफ़ी टाइम बाद आप बोलते हैं कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया क्या, और दोबारा 10,000 रुपये दो काम होगा, मुझे बताओ क्या करना चाहिए। भैया आप समझदार आदमी हो यार, 10,000 लेके इंटरव्यू में फेल करवा रहे हो, फिर दे दो तो पास हो जाओगे, बिल्कुल 100% ये गलत है, फेक है, सिंगापुर का 6,000 मेडिकली का जरूरत है यार,
सिंगापुर का यूरोप कंट्री के मेडिकल की पहली बात जरूरत नहीं पड़ती, दूसरी बात कॉल आ गया अपने लोगों को हिंदी नहीं आती, वो इंग्लिश में बात करते हैं फेल करने का बहाना बना के, अब 10,000 और दे दो फिर फॉल करेंगे फिर फेल कर देंगे, तो इन बातों में सच्चाई नहीं है। मैंने तो इन पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, इस चक्कर में न पड़े तो फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी है भाई। बसंत कुमार बोलते हैं सर पासपोर्ट की वैलिडिटी कितने दिन का होता है? भैया पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 ईयर्स, यानी 10, एक बार पासपोर्ट बना लिया 10 साल तक वैलिड है, 10 साल बाद उसको आप रिन्यू करवा सकते हो, अगर बीच में कट पड़ जाता है तो दूसरा बन जाता है, ठीक है भाई। धर्मजीत बोलते हैं सर जी अगर कोई बाहर विदेश में पासपोर्ट देखने के लिए कहे तो क्या पासपोर्ट दिखा देना चाहिए? देखिए पासपोर्ट आपके पास है, विदेश में आप जा रहे हैं घूमने के लिए काम करने के लिए जो भी प्रोसेस है, अगर आपको कोई सरकारी कर्मचारी इमिग्रेशन अधिकारी वो अगर चेक करने के लिए बोले तो आपको चेक करवाना पड़ेगा। एक रोड पर जा रहे हैं आम आदमी आपको पासपोर्ट दिखाए बोले कि पासपोर्ट दिखाओ तो बिल्कुल नहीं दिखाना, कल को आप उसको पासपोर्ट दो आदमी वो पासपोर्ट वापस नहीं दे तो दिक्कत हो सकती है। नोट करें सरकारी कर्मचारी को पासपोर्ट दिखाना, बाकी किसी को दिखाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। सर मुझे सिंगापुर में सिक्योरिटी गार्ड के लिए मेडिकल टेस्ट के नाम पर 11,000 रुपये के देना है, सही है या गलत? 2 साल का वीज़ा दे रहा है कंपनी फ्लाइट भी। भैया देखिए ऊपर कमेंट आया उसमें 6,000 हैं आपसे 11,000 हैं, 2 साल का वीज़ा दे रहा है, अफसोस की बात है यार, जो वीज़ा टिकट सब कुछ फ्री है उसके लिए मेडिकल की क्या मायना है भैया, मेडिकल भी फिर वही करवाएंगे, इन फातों में फ़ायदा नहीं है भैया। मैंने अलग से बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, थोड़ा सा आप गौर करें, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरी उम्र 19 साल है सर, मैं कौन सी कंट्री में जा सकता हूँ? भैया आप हर कंट्री में जा सकते हैं, सिर्फ कुवैत को छोड़ के, कुवैत में 21 साल से पहले नहीं जा सकते, बाकी कोई भी कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल के बाद आप बालिग होते हैं, कोई सी कंट्री में घूमें जॉब करें घूमें फिरें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो साथी ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको आंसर दिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, हर रोज आने वाले टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे जिससे आपको जानकारी और सही सुविधा मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।